Swayam Prabha, Digital India, Educated India. वेल well, स्टूडेंट्स uh, ये मेरा टेंथ लेक्चर है दिस इज़ माई टेंथ लेक्चर एंड द टॉपिक ऑफ टूडे डिस्कशन इज संवैधानिक उपचारों का अधिकार इस व्याख्यान के अंतर्गत मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संवैधानिक उपचार से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है उसको संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत कैसे दिया गया है और आर्टिकल 32 की महत्ता को इम्पार्टेंस को लेकर के संविधान सभा में जब चर्चा हो रही थी तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से पूछा गया कि भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे पूछा जाए तो आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे तो मैंने उसको इसी स्क्रीन के माध्यम से लिखा हुआ है देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के विषय में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया कि आर्टिकल 32 टू इज़ द वेरी सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के आर्टिकल 32 जो है यह संविधान की आत्मा है और यह आत्मा किस संदर्भ में आप देख सकते हैं कि जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान निर्माताओं ने जिस संविधान निर्माण में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी उन्होंने संविधान के आर्टिकल 32 को कितना महत्वपूर्ण समझा है उन्होंने कहा कि जो संविधान के आर्टिकल थर्टी है यह संविधान की आत्मा है और इस सेंस में कि संविधान के आर्टिकल थर्टी भारत के प्रत्येक व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय में वाद दायर करने का अधिकार प्रदान करता है कि फंडामेंटल राइट right को परिवर्तन कराने के लिए कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में सीधे वाद दायर कर सकता है तो आर्टिकल 32 टू एक के अंतर्गत स्वयं कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के समक्ष मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में आ सकता है यह उसका फंडामेंटल राइट है मौलिक अधिकार है तो मैंने नीचे एक लिखा हुआ है आप देखें रेड से उ बी जस्ट ई बी रेमेडियम एक लैटिन सूत्र है ओ बी जस्ट ई बी रेमेडियम जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वेयर there इज राइट right, there मस्ट बी रेमेडी जहाँ पर अधिकार है वहाँ पर उपचार का होना आवश्यक है इसको हिंदी में ये लैटिन फार्मूला है ओ बी जस्ट ई बी रेमेडियम इसका इंग्लिश अर्थ होता है वेयर there इज राइट right, there मस्ट बी रेमेडी इंग्लिश हो गया हिंदी अर्थ इसका है कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार का होना आवश्यक है बिना उपचार के अधिकार का कोई मतलब नहीं होगा कोई अर्थ नहीं होगा भारतीय संविधान के भाग तीन के अंतर्गत जितने भी मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट हैं उन अधिकारों का कोई अर्थ नहीं होता यदि आर्टिकल 32 के अंतर्गत 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकार के उल्लंघन की दशा में जाने का अधिकार नहीं होता परिवर्तन करने का अधिकार ये नहीं दिया गया होता आर्टिकल थर्टी के माध्यम से तो आप आर्टिकल थर्टी के सिग्निफिकेंस को समझ सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकार के उल्लंघन की, की दशा में वाद दायर करने का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है तो ये स्वयं स्वयं संविधान सभा के सभापति अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा भी कहा गया कभी कभी प्राय क्वेश्चन पूछा भी जाता है प्रारंभिक परीक्षाओं में कि भारतीय संविधान के किस प्रावधान को निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा जाता है तो आपके लिए यह याद करना मतलब समझना आवश्यक है दूसरा है आर्टिकल 32 टू मूल अधिकार के उल्लंघन में सीधे उच्चतम न्यायालय में वाद दायर करने का अधिकार मैंने आपको इसमें बताया कि संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं एक तो है कि संविधान के आर्टिकल 32 टू क्लास वन एक के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन की दशा में व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है और आर्टिकल बत्तीस दो में लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए कोई भी आदेश या निर्देश अथवा कोई भी रिट जो बंदी प्रतिक्षिकण हैबियस कार्पस परमादेश प्रतिषेध उत्प्रेषण या अधिकार पीछा के रूप में होगी जारी कर सकेगा तो ये आर्टिकल 31 और 32 के माध्यम से आप देखें कि फंडामेंटल राइट प्रोटेक्शन के लिए उच्चतम न्यायालय किस रूप में अपनी भूमिका प्रस्तुत कर सकता है यह संवैधानिक हेडिंग ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ है तो यह आवश्यक है यह समझना कि यह संवैधानिक उपचार क्यों शब्दावली यूज की गई संविधान में जितने भी प्रावधान जितने भी मौलिक अधिकार हैं या संविधान में जितने भी अधिकार हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जैसे संपत्ति का अधिकार है मतदान का अधिकार है तो उन अधिकारों के अतिक्रमण की दशा में भी क्या उपचार उपलब्ध हैं संविधान के अंतर्गत और आर्टिकल बत्तीस उन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में पीड़ित को क्या उपचार उपलब्ध कराता है यह संविधान की आर्टिकल बत्तीस एक और दो के माध्यम से आप देख सकते हैं अब आते हैं रीट इसमें मैंने एक स्लाइड के माध्यम से बनाया है आप देखें संविधान के अंतर्गत पांच प्रकार की रीटों का उल्लेख किया गया है परमा ये पहला है हाइबियस कार्पस दूसरा है परमादेश तीसरा है अधिकार परीक्षा चौथा है प्रतिषेध पांचवा है उत्प्रेषण और ये रिट भारतीय संविधान की आर्टिकल 32 के अंतर्गत बत्तीस दो के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय फंडामेंटल राइट के उल्लंघन की दशा में किसी भी स्थिति में किसी भी प्राधिकारी के विरुद्ध जारी कर सकता है परंतु ये जो पांच रिटें हैं पांच रिटों का अलग अलग ग्राउंड है पहले लेते हैं हाइबीएस कार्पस बंदी प्रतिक्षिकरण बंदी प्रतिक्षिकरण रिट याचिका कोई भी व्यक्ति जिसे अनलाफुल डिटेन किया गया है अवैध गिरफ्तार किया गया व अपनी अवैध गिरफ्तारी की चुनौती को सीधे उच्चतम न्यायालय में दे सकता है कि उसे किसी प्राधिकारी के द्वारा अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है और यह न्यायालय के समक्ष साबित कर दिया जाए कि उसकी गिरफ्तारी अवैध थी तो उच्चतम न्यायालय आर्टिकल बत्तीस दो के अंतर्गत ऐसे पीड़ित व्यक्ति को न केवल कंपनसेशन देने के लिए संबंधित प्राधिकारी को व्यस्त कर सकता है बल्कि संबंधित प्राधिकारी को आपराधिक कार्रवाई के लिए रंगफुल कन्फाइनमेंट के लिए सदोष परिररोध के लिए भी वाद दायर किया जा सकता है और जो अरेस्टिंग ऑफिसर है उसके विरुद्ध सदोष परिरोध का मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है उसे कारावा कारावासित किया जा सकता है तो सबसे पहली जो रेमेडी है फंडामेंटल राइट वायलेशन कोई किसी को अनलाफुल तरीके से डिटेन किया गया है अवैध गिरफ्तारी हुई है तो ऐसा अवैध गिरफ्तार व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में सीधे आर्टिकल बत्तीस दो के तहत बंदी प्रतिक्षिकण रिट याचिका के लिए आवेदन कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट को यदि प्रतीत होता है कि ये रैंगफुल डिटेंशन किया गया है तो ऐसी स्थिति में उस प्राधिकारी को डायरेक्ट निर्देशित करते हुए बंदी प्रतिक्षिकण के माध्यम से जिस भी व्यक्ति को डिटेन किया गया है सर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है और किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया गया है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को डिस्क्लोज करने के लिए न्यायालय के समक्ष उसे कह सकता है तो आप ये देखें कि बंदी प्रतिक्षिकण रिस्ट याचिका के माध्यम से कैसे नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए उच्चतम न्यायालय अपनी कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट कहा जाता है मूल उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है तो कैसे मूल अधिकार मौलिक अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट संरक्षित करता है प्रोटेक्ट करता है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका के माध्यम से आप देख सकते हैं यदि मैं इसी जगह अगर आपको एक केस बताऊं बंदी प्रतिक्षीकरण याचिका को तो आप सभी को मालूम होगा कि केस थी ए जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला आप सभी ये केस को शिवकांत शुक्ला और इसे हैबियस कार्पस केस के नाम से भी जानते हैं बहुत लीडिंग केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला हैबियस कार्पस केस जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इस केस में जब राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था तो उस दौरान बहुत सारे विरोधी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया और जब उन्होंने गिरफ्तारी की वैधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ पीठ गठित ने चार एक के बहुमत से निर्णित किया कि राष्ट्रीय आपात के दौरान कोई भी व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की वैधता को न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दे सकता है अब यद्यप कि इस निर्णय की आलोचना की गई परंतु मैं यहाँ पे बताने का जो प्रयास कर रहा था कि हैबियस कार्पस रिट के माध्यम से भी कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी को वैधता को न्यायालय के समक्ष चैलेंज कर सकता है अब देख सेकेंड पर आते हैं जो परमादेश रिट है मैंडमस रिट ऑफ मैंडमस परमादेश रिट याचिका भी उच्चतम न्यायालय आर्टिकल बत्तीस दो के अंतर्गत प्राधिकारी को जिस पर लॉ के द्वारा कोई ड्यूटी पोच की गई है उस विधिक कर्तव्यों का यदि भंग करता है तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय आर्टिकल बत्तीस दो के अंतर्गत उस प्राधिकारी को निर्देशित कर सकता है कि वह लॉ के द्वारा निरूपित की गई कर्तव्य का निर्वहन करे उदाहरण के तौर पर इसको समझें परमादेश आदि जो मैंडमस का तात्पर्य होता है वी कमांड इसका शाब्दिक अर्थ होता है इंग्लिश में वी कमांड अर्थात हम आदेश देते हैं तो उच्चतम न्यायालय आर्टिकल बत्तीस के अंतर्गत उच्च न्यायालय आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स के अंतर्गत परमादेश रिट याचिका के माध्यम से नागरिक अधिकारों की सुरक्षा संरक्षा करने के लिए संविधान के अंतर्गत आबद्ध है तो संविधान के द्वारा भी हाई हाईकोर्ट्स को आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स के अंतर्गत आर्टिकल बत्तीस के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को और हाई कोर्ट को संविधान संरक्षक की संज्ञा दी गई है परमादेश रिट याचिका के माध्यम से हम किसी भी सरकारी प्राधिकारी को किसी भी स्थानीय प्राधिकारी को जिसको ला के द्वारा कोई ड्यूटी इम्पोज की गई है कोई कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है वह व्यक्ति उस उस अथॉरिटी के अगेंस्ट कोई भी पीड़ित व्यक्ति परमादेश रिट याचिका के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकता है अब परमादेश रिट याचिका को कैसे इसमें मैं इस पांच प्रकार की रिटें आपको बताया अब इसको इसको एक एक करके मैं अगर आपको बताऊं तो आप ये देखें मैंने लिखा भी है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट हैवियस्ट कार्पस का हिंदी में अर्थ होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट हैवियस कॉरपस हैवियस कॉर अब बंदी प्रत्यक्षीकरण इस रिट का जो हिंदी का शाब्दिक अर्थ है उसी से आप देखें स्पष्ट है कि बंदी को प्रत्यक्ष करो न्यायालय के समक्ष हाँ टू प्रोड्यूस टू टू प्रोड्यूस एक्ूज डेटिन्यू न्यायालय के समक्ष डेटिन्यू को प्रोड्यूस करना ये इसका ऑब्जेक्ट होता है हैवियस कॉर्पस का टू प्रोड्यूस बॉडली सरसरी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए अब मैंने सभी केस आपको बता ही रहा था कि इसमें मैंने यहाँ पर लिखा है इसको अलग से ए जबलपुर वर्सेज शिवकांत शुक्ला या यार आर नाइनटीन सेवेंटी सिक्स केस इसको अब रिपीट करने की आवश्यकता नहीं देखिए उसके बाद एक कब ऐसी स्थितियों को आर्टिकल 359 के अधीन राष्ट्रीय आपात के दौरान आर्टिकल 21 निलंबित हो सकती है ए सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन इस केस में आया कि यदि राष्ट्रीय आपात लागू किया गया है तो उस दौरान किसी भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार से उसे वंचित किया जा सकता है अर्थात न्यायालय में वाद लाए अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है अरेस्ट किया जाता है तो वह अपनी गिरफ्तारी की वैधता या संवैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता राष्ट्रीय आपात के दौरान अब इसी को मैं अगर यहां बता दू कि इसके साथ आप अवश्य देखें कि जो चवालीसवां संविधान संशोधन हो गया उन्नीस में इस निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए कि राष्ट्रीय आपात के दौरान भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का, का उल्लंघन सभी मौलिक अधिकारों का, का उल्लंघन नहीं होगा केवल दो को छोड़कर आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं लेकिन जीने के अधिकार को निलंबित राष्ट्रीय आपात के दौरान भी नहीं किया जा सकता है तो ये आप चौबीसवें संविधान संशोधन उन्नीस सौ अड़तालीस के साथ इसको जब जरूर पढ़ेंगे वो सोचना अब आते हैं न्यायिक सक्रियता पर जुडिशियल एक्टिविज्म आपने देखा होगा कि उन्नीस के दशक में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया जनहित याचिका जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अब दो मैंने स्लाइड के माध्यम से दो बातें कहीं इसमें प्रयास बताया है. एक लोकस स्टैंडाई है लोकस स्टैंडाई मतलब होता है टू स्टैंड बिफोर द कोर्ट राइट टू इनिशिएट प्रोसीडिंग राइट टू ब्रिंग अ सूट मतलब लोकस स्टैंडाई व्हाट इज योर लोकस मीन्स पहल एक परंपरागत जो विचार थे कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष जो न्यायालय से सहायता पाना चाहता है न्यायालय से उपचार पाना चाहता है उसे उस न्यायालय के समक्ष साबित होगा कि वह सफरर है उसके लीगल राइट का वायलेशन उसके विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो यदि मैं न्यायालय के समक्ष आता हूँ तो मुझे न्यायालय के समक्ष साबित करना होगा कि मेरे विधिक राइट का लीगल राइट का वायलेशन हुआ है तो ये बिना यह साबित इसको हम लैटिन वर्ड में लोकस स्टेंडाई बोलते हैं टू स्टैंड बिफोर द कोर्ट न्यायालय के समक्ष वाद दायर करने का अधिकार यह एक सामान्य है कि जिसके विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है पीड़ित है वो न्यायालय के समक्ष आएगा परंतु न्यायालय को ऐसा महसूस हुआ 1978 और उन्नीस सौ अठहत्तर के दौरान कि यदि कोई व्यक्ति निर्धन है गरीब है और अपनी निर्धनता के कारण वह न्यायालय के समक्ष वाद लाने में समर्थ है उसके मौलिक अधिकारों का, का उल्लंघन किया गया है तो ऐसी स्थिति में उस निर्धन व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में समाज का कोई भी व्यक्ति जो संसाधन संपन्न है और जो समाज हित में हित में विश्वास रखता है वह उन निर्धन व्यक्तियों की तरफ से लोकहितवाद जनहितवाद उच्चतम न्यायालय के समक्ष ला सकता है और उन निर्धन व्यक्तियों की मांगों को उन निर्धन व्यक्तियों के पक्ष को न्यायालय के समक्ष रख सकता है इस रूप में जनहित याचिका का आविर्भाव प्रादुर्भाव भारतीय न्यायिक पद्धति के अंतर्गत इंडियन जुडिशियल सिस्टम में उच्चतम न्यायालय के द्वारा अन्वेषित किया गया अब इसको देखते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ और न्यायिक सक्रियता आप इसको हम कैसे किस रूप में कहें आप देखें आर्टिकल 32 और चिकित्सा सहायता का अधिकार अब कैसे आर्टिकल 32 के अंतर्गत राइट टू मेडिकल एड को रिकॉग्नाइज किया गया कि चिकित्सा सहायता का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार माना जाएगा केस का नाम है परमानन कटारा बनाम भारत संघ, ए आई आर सुप्रीम कोर्ट अब पिटिशनर इसमें देखिए जो परमन कटारा है वह हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक लेख कि कानून न्याय कानून जो घायल व्यक्ति की मृत्यु में सहायक है एक हिंदुस्तान टाइम्स पेपर में समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था कि लेख प्रकाशित हुआ था कि कानून घायल व्यक्ति की मृत्यु में सहायक है और कानून घायल व्यक्ति की मदद नहीं करता है इसके आधार पर याचिकाकर्ता ने न्यायालय के समक्ष ये साबित करने का प्रयास किया कि कानून भी इस तरह का है कि कोई पीड़ित को जो घायल है कोई दुर्घटना से ग्रसित है उसको कोई मदद नहीं करता माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा आर्टिकल बत्तीस के अंतर्गत इस मामले को संज्ञान लेते हुए निर्णित किया गया कि जो चिकित्सा सहायता का पाने का अधिकार है राइट टू मेडिकल एड है यह व्यक्ति का जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है यदि कोई भी सरकारी अथवा निजी चिकित्सा संस्थान किसी भी व्यक्ति को यह दबाव बनाते हैं कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तत्काल चिकित्सीय सहायता उपलब्ध नहीं कराते बल्कि उसे मेडिकल लीगल केस के लिए पहले उसे अपेक्षा करते हैं यह संविधान कैट के, के लिए किस में प्रदत्त जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा पहले जीवन को बचाना है यह संविधान इस बात की गारंटी देता है कि सभी व्यक्ति को जीने का अधिकार होगा तो ऐसी स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए जहाँ पर किसी व्यक्ति के मरने की संभावना है कोई व्यक्ति घायल है दुर्घटना से घायल हो तो वहाँ पर मेडिकल लीगल औपचारिकता कराए बिना भी उसे सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है ये सुप्रीम कोर्ट ने 32 के अंतर्गत इस मामले को संज्ञान लेते हुए कहा कि ये आर्टिकल इक्कीस का एक अभिन्न भाग है और चिकित्सा सहायता व्यक्ति का मौलिक अधिकार है अब दूसरे पर आते हैं चुनाव सुधार को कैसे आर्टिकल बत्तीस के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिया गया अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें देखें ए एफ डी आर वर्ष न्यूनियन ऑफ इंडिया ए आई आर टू थाउजेंड टू सुप्रीम कोर्ट इसको मैंने पिछले भी बताया था कि चुनाव सुधार के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया इस केस में कि जो कोई प्रत्येक भारत के प्रत्येक मतदाता का अपने उम्मीदवार के विषय में शैक्षणिक पृष्ठभूमि आर्थिक पृष्ठभूमि आपराधिक पृष्ठभूमि में जानने का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है ये नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल थर्टी टू और महिला अधिकार संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो प्रयास किया गया ये इसका नाम है विशाखा वर्सेज राजस्थान राज्य ए आई आर सुप्रीम कोर्ट अब इस केस के फैक्ट को मैं थोड़ा बताना चाहूँगा विशाखा मैंने इसमें देखिए लिखा हुआ एनजीओ है विशाखा एन जी ओ बनाम राजस्थान राज्य ए आई आर नाइनटीन नाइन्टी सेवन सुप्रीम कोर्ट इस केस में घटना क्या घटित हुई राजस्थान राज्य में वहाँ की एक महिला सरपंच जो राजस्थान राज्य में बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने के लिए कई वर्षों से कार्य कर रही थी जिसका नाम भौरी देवी था भौरी देवी गैंग रेप के नाम से भी केस फेमस है वह लोगों को जागरूक करने के लिए बाल अपराध बाल विवाह न हो लोगों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव जा कर के बाल विवाह रोकने के लिए प्रयास कर रही थी परंतु चूँकि स्थानीय वहाँ पर कुछ स्थानीय कस्टम है लोकल कस्टम है जिन लोगों को ये बात खराब लगी कि ये बाल विवाह करने में हस्तक्षेप कर रही है पुलिस को सूचना दे रही है और उसके प्रति उस महिला सरपंच के प्रति इस प्रकार की हिंसा की गई चूंकि ये मामला एन के द्वारा विशाखा एन ने उसमें हस्तक्षेप किया और उस महिला के प्रति हुई हिंसा को अपराध को न्यायालय में वाद दायर करने का प्रयास किया माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामला आई जबाड़ी विषाण के लिए आया तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को संबंधित राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि अभी अभी तक राज्य सरकार या भारत सरकार के पास कौन सा ऐसा कानून है जो वर्किंग वीमेन को जो कार्य करने वाली श्रमजीवी महिलाएं हैं उनको वर्किंग प्लेस पर कानून का प्रोटेक्शन कितना है संरक्षण कितना है उनके लिए आ, कानून में क्या प्रावधान है कानून उनको कितनी हेल्प करता है यदि उनके प्रति इस प्रकार की बातें वर्किंग प्लेस पर यदि उनके विरुद्ध सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो उनको किस कानून के तहत उनको उपचार उपलब्ध है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा जो न्यायालय के समक्ष हलफनामा दिया गया काउंटर एफिडेविट लगाई गई उसमें कहा गया कि वर्तमान में भारत में अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है जो वर्किंग प्लेस पर श्रमजीवी महिलाओं को कार्यस्थल पर श्रमजीवी महिलाओं को कार्य करने वाली महिलाओं को कोई विशेष प्रोटेक्शन देता है या उनके विशेष उनके प्रति हुई हिंसा को रोकने के लिए कोई विशेष कानून नहीं है तो इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस केस में दिशा निर्देश दिया गया कि जब तक इस विषय पर संसद के द्वारा कोई कानून नहीं बना दिया जाता तब तक इस केस में <coughs> दिए गए दिशा निर्देश का वही प्रभाव होगा जो कानून का प्रभाव होता है और यह दिशा निर्देश मैं आपको बताऊं स्क्रीन पर आप देखें मैंने इस दिशा निर्देश में जो थोड़ा सा अभी कुछ ही को मैंने यहाँ पे लिखा है कि पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट दिशा निर्देश इस विशाखा के गाइडलाइन में दी गई वह यह है कि सभी सरकारी और निजी संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि उन जगह उनके यहाँ काम करने वाली महिलाओं के लिए स्त्रियों के लिए एक अलग से महिला ग्रीवान्श सेल होगा विमेन ग्रीवांश सेल होगा महिला शिकायत प्रकोष्ठ होगा जो सेक्सुअल ऑफेंस से संबंधित लैंगिक अपराधों से संबंधित मामलों को त्वरित निस्तारित करने के लिए संज्ञान लेते हुए त्वरित निस्तारित करने के लिए गठित की जाएगी आपने देखा होगा कि वर्ष उन्नीस के पश्चात सभी प्राइवेट निजी संस्थानों में और सरकारी संस्थानों में भी महिला शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है जिससे कि कार्यस्थल पर उनके विरुद्ध हो रही सेक्सुअल ऑफेंस को रोका जा सके और प्रभावी तरीके से इस पर कदम उठाने के लिए पूरे देश में केंद्रीय संस्थाएं, राज्य संस्थाएं और निजी प्राइवेट संस्थाएं भी इसमें इनके लिए बाधकर है कि वह अपने यहाँ इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना करें अब आते हैं कि अभिरक्षा हिंसा में और आर्टिकल 32 के माध्यम से कैसे उच्चतम न्यायालय ने कस्टोडियल वायलेंस को रोकने का प्रयास किया है आप सभी जानते होंगे कि संविधान की आर्टिकल 32 के अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको बताया उच्चतम न्यायालय संविधान संरक्षक के रूप में मौलिक अधिकार संरक्षक के रूप में माना जाता है इस पर दो मैंने केस महत्वपूर्ण बताने का प्रयास किया एक तो नीलाव एक नीलावती बेहरा नीलावती बेहरा वर्ष उड़ीसा राज्य ए आई जिसको कस्टोडियल डेथ के रूप में अभी डिस्कस करेंगे दूसरा केस है बोधिसत व गौतम वर्षे शुभ्रा चक्रवर्ती ए आई आर सुप्रीम कोर्ट अब दोनों केस को अलग अलग देखते हैं पहले तो अभिरक्षा में हिंसा बोह नीलावती बेहरा का जो केस है आप ये देखें इस नीलावती बेहरा केस में चूंकि उसका एक 16 वर्षीय पुत्र जो किसी आपराधिक मामले में पुलिस ने अपने थाने में उसे पूछताछ के लिए बुलाया था परंतु उसके पुत्र सोलह वर्षीय पुत्र को पुलिस स्टेशन के पास ही रेलवे लाइन पर उसका शव बरामद किया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह उद्घाटित हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह दर्शित करती थी कि उस बालक के शरीर के अंदर कोई अंदरूनी चोट के निशान थे परंतु फिर भी उस मामले में उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की गई जब यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया तो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था कि क्या आ, ये मामला कस्टोडियल डेथ मानी जाए अब अच्छा में हिंसा मानी जाए या नहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो उस बालक के प्रति बालक के शरीर में जो हिंसा की गई है अंदरूनी जो चोटें आई हैं उससे दर्शित होता है कि वह जो उस मृत्यु जो हुई उस चोट के कारण हुई है और पुलिस उस कस्टोडियल मृत्यु को छिपाने के लिए उस बालक के शव को पुलिस ट्रैक पर रेलवे लाइन पर दिया होगा जिससे आत्महत्या केस माना जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें राज्य की लापरवाही मानते हुए ये मानते हुए कि जो संबंधित पुलिस अधिकारी थे वे राज्य के लिए कार्य कर रहे थे राज्य के बिहार पे काम कर रहे थे इसलिए संबंधित राज्य सरकार उस उपेक्षापूर्ण अभिरक्षा में हुई मृत्यु के लिए जिम्मेदार है अतः संबंधित राज्य सरकार को निर्देशित किया गया माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि वह अपीलार्थी नीलावती बेहरा को पीड़ित डिसीज की जो मदर है उसको एक लाख पचास हज़ार रुपये प्रतिकर देने के लिए कंपन देने कंपनसेशन देने के लिए निर्देशित किया गया अब यहाँ पर एक चीज़ है जो कम्पन्टरी जो स्टूडेंट्स जो है क्रिमिनल मामलों में आपराधिक मामलों में प्रतिकर देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी कि एक प्रकार से क्राइम है कस्टोडियल वायलेंस है कस्टोडियल डेथ है यह एक अपराध है और इसमें न केवल मृतक की मां को प्रतिकर दिया जाए कंपनसेशन दिया जाए बल्कि जो इसमें लापरवाह पुलिस अधिकारी हैं उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें दंडित भी किया जाए और जो एक लाख पचास हज़ार रुपये राज्य सरकार कंपनसेशन के रूप में दे रही है वह उनके वेतन से कटौती किया जाए काटा जाए तो इस प्रकार से जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ कि कस्टोडियल हिंसा अगर है कस्टोडियल डेथ हो रही है तो ऐसी स्थिति में जो मृतक के परिवार के सदस्य हैं वे न केवल प्रतिकर प्राप्त कर सकते हैं बल्कि लापरवाह व्यक्तियों को पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है तो ये केस हो गया दूसरा मैंने देख इसमें लिखा हुआ है बोधिसत्व गौतम से सुब्रा चक्रवर्ती ए आई आर सुप्रीम कोर्ट रेप विक्टिम हैज राइट टू गेट कंपनसेशन अगेंस्ट द आप स्क्रीन पर देखें इसमें एक पहली बार एक केस माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आई कि क्या मौलिक अधिकार का दावा प्रवर्तन एन्फोर्समेंट प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी किया जा सकता है तो बोधिसत्य गौतम इसमें अपिलार्थी जो है वह सुभ्रा चक्रवर्ती नाम की एक महिला को ये विश्वास दिलाकर के कि वह उससे विवाह करेगा परंतु उसने उस विवाह और उसके साथ वह कई वर्षों तक पति पत्नी के रूप में रहा परंतु बाद में उसने उससे विवाह करने से मना कर दिया सुभ्रा चक्रवर्ती के द्वारा बोधिसत्य गौतम के विरुद्ध इस आधार पर वाद दायर किया गया कि उसने उसके साथ धोखा किया है और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा तीन के अंतर्गत रेप लासन करने के आरोप के लिए अभियोजित और दंडित किया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये माना गया कि ऐसी स्थिति में जहाँ पर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ विश्वास दिलाकर के उसके साथ लैंगिक संबंध स्थापित करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टैब्लिश करता है उस स्थिति में वह अपराधी भी है और साथ साथ जो रेप विक्टिम है सी हैज राइट टू तो गेट कम्पन्सेशन उसे उस रांगडुअर के अगेंस्ट कल्प्रिट के अगेंस्ट कंपनसेशन प्रतिकर प्राप्त करने का भी अधिकार है तो सबसे पहला ये पूछा जाता कभी आप देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षाओं में और लिखित परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया कि ब्लासंक के मामलों में प्रतिकर प्राप्त करने का पीड़िता का अधिकार आर्टिकल इक्कीस के अंतर्गत मौलिक अधिकार है या जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ तो ये केस बोधिसत्व गौतम वर्सेस सुभ्रा चक्रवर्ती का केस आप याद रखेंगे 1996 में ये कहा गया है अब आते हैं कैसे आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट का संरक्षक है ये मैंने इसको संक्षेप में लिखा है कि एस का मतलब सुप्रीम कोर्ट फंडा या फार मतलब फंडामेंटल राइट का संरक्षक कैसे माना जाए अब इसको तीन केस के माध्यम से समझेंगे कि मौलिक अधिकार का, का, का संरक्षक कैसे सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है पहला केस है बधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ ए आई आर सुप्रीम कोर्ट इस केस को बॉन्डेड लेबर केस के नाम से भी जानते हैं बधुआ मजदूर केस के नाम से भी जानते हैं बॉन्डेड लेबर केस के नाम से जानते हैं दूसरा है एम सी मेहता बनाम भारत संघ ये भी केस ये भी याचिकाकर्ता एम सी मेहता के द्वारा भी बाल मजदूरी उन्मूलन के लिए बधुआ मुक्ति बॉन्डेड बॉन्डेड लेबर को उन्मुक्त कराने के लिए प्रयास किया गया और कामन कॉज बनाम भारत संघ एक केस है ये भी एनजीओ एक गैर सरकारी संस्था है और इसके द्वारा ब्लड बैंक केस के नाम से भी इसको जानते हैं कि पूरे देश में जो ब्लड बैंक की जो ब्लड बैंक की स्थिति सुधरी है उसका श्रेय आता है इसी केस को कामन कॉज बनाम भारत संघ ए आई सुप्रीम कोर्ट अब इस केस को एक एक करके डिस्कस करते हैं बधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ जैसा कि आप जानते होंगे यह बधुआ मुक्ति मोर्चा एक पंजीकृत संस्था है एक एन है जिसके संरक्षक पहले स्वामी अग्निवेश जी माने जाते थे इस बधुआ मुक्ति मोर्चा के द्वारा ये प्रयास किया गया कि जिले स्तर पे जा जा कर के पता लगाया गया सर्वेक्षण सर्वे किया गया कि कालीन उद्योग में अथवा फरीदाबाद के कांच उद्योगों में ग्लास इंडस्ट्री में ऐसे बॉन्डेड लेबर हैं चाइल्ड लेबर हैं बच्चे हैं बॉन्डेड लेबर हैं जिनको एक बार उस प्रतिष्ठान में घुसा दिया जाता है तो दो दो महीने तक उनसे ज़बरदस्ती उनसे काम लिया जाता है इस संस्था ने एक जनहित याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि ये पता लगाया जाए कि इन इन जगहों पर सरकार की कोई अधिकारी या एजेंसी जाके पता लगाए कि भदोही के जैसे कार, जो कालीन उद्योग हैं या फरीदाबाद में जो ग्लास इंडस्ट्री है वहाँ पे बधुआ मजदूरी की समस्या यह बहुतायत देखने को मिल रही है सरकार के द्वारा जब ये पता लगाया गया तब तो और साक्ष्य के माध्यम से यह संस्थान ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था कि ये उनके साक्ष्य हैं पेपर की कटिंग अखबारों की कटिंग के माध्यम से भी न्यायालय के समक्ष ये बात लाने यह लाने का प्रयास किया गया था कि बॉन्डेड लेबरों की स्थिति इन्हीं जगहों पर अभी भी विद्यमान है सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए संबंधित राज्य सरकारों को संबंधित प्राधिकारी को निर्देशित किया कि सुनिश्चित करें कि उन जिलों में बधुआ मुक् जो बधुआ मुक्ति के लिए वे क्या कदम उठाए हैं और इस निर्णय के पश्चात तो ये हस्तक्षेप करने के पश्चात बहुत सारे जिलों में जिन जिलों का मैंने नाम लिया उसमें बधुआ मजदूरी बाडेड लेबर को रिलीज किया गया निर्मुक्त किया गया एम मेहता बनाम भारत संघ के केस में देखिए एम मेहता ने भी उन बालकों के लिए जो माचिस उद्योग में थे शिवकाशी तमिलनाडु मद्रास में ऐसे जगहों पे काम कर रहे थे जो खतरनाक माचिस सल्फर जो माचिस बनती है माचिस की तिलियाँ बनती उन उद्योगों खतरनाक उद्योगों में काम कर रहे थे उन बध उन बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के लिए बांडेड लेबर को मुक्त कराने के लिए भी इस एम सी मेहता के द्वारा काफ़ी सराहनीय प्रयास किया गया तो इसमें देखें यह भी जनहित याचिका के माध्यम से बाल श्रमिकों के मुद्दे को वहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाया गया तीसरा केस ये कॉमन काज बनाम भारत संघ का है ये जैसा कि आप जानते होंगे कॉमन कॉज एक गैर सरकारी संस्था है इसे सूचना मिली अखबार में प्र... समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि भारत में ब्लड बैंकों की स्थिति बहुत ही खराब है और जो ब्लड चढ़ाए जाते हैं उससे प्रायः व्यक्ति ब्लड चढ़ाने के दौरान ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार से समाचार पत्रों में प्रकाशित लेख के आधार पर कामन काज नाम की संस्था ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर करती है कि इस माननीय उच्चतम न्यायालय क्या ऐसे राज्यों को या जिले सर जिले स्तर पर प्रशासन को यह निर्देश दिया जा सकता है कि ब्लड बैंक की स्थिति को सुधारने के लिए एक जो पैरामीटर हैं मानदंड हैं चिकित्सा चिकित्सा विज्ञान में क्या उन मानकों को पूरा किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस कॉमन काज की केस में पहली बार पूरे देश के लिए ब्लड बैंकों के लिए एक दिशा निर्देश दिया गया कि प्रत्येक ब्लड बैंक अपने यहाँ एक निश्चित जो मानक है पैरामीटर है उस चिकित्सा का, उस का उस मेडिकल साइंस का उस न्यूनतम मानक को फुलफिल करेंगे और एक निश्चित टेम्परेचर पर तापमान पर उस ब्लड को मेंटेन करेंगे और उस पर डेट का लिखेंगे डेट किस डेट को वह ब्लड लिए हैं किस डेट को पैकिंग हुई है जिससे कि माना जा सके कि वह ब्लड एक्सपायर है ब्लड लाइसेंस ब्लड बैंक जो है लाइसेंस होल्डर है या नहीं है ये दिशा निर्देश इस मामले में दिए गए कहने का तात्पर्य है कि आप देखते हैं कि संविधान के आर्टिकल बत्तीस के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय मानव जीवन के सुरक्षा के लिए नागरिकों के अधिकारों के सुरक्षा के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है जिससे कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा संरक्षा हो सके इस केस के माध्यम से मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि ब्लड बैंक कैसे व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है ब्लड बैंक में आपने देखा होगा कि प्रायः उस पर न तो स्टिकर लगे रहते थे किस डेट का वह ब्लड सैंपल लिया गया है कितने दिन का यह ब्लड रहे ये सारी चीज़ें इस केस के पश्चात हुई हैं कि अब सभी ब्लड बैंक अगर ये नहीं करेंगे तो यह माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अवहेलना अवमानना मानी जाएगी अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर इसमें अब इसको देखते हैं कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत और कौन से ऐसे अधिकार हैं जो सम उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसको पुनः मैं इसी रिट पर आता हूँ रिट पांच ये जो रिटें हैं विशेष प्रकार के विशेषाधिकृत रिटें हैं सुप्रीम कोर्ट इन रिट के माध्यम से नागरिक अधिकारों की सुरक्षा कैसे करता है <laughs> मैंने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को पहले ही बता दिया कि कैसे हैबियस कार्पस रिट क्या है परमादेश के लिए मैंने जैसा मैंने बताया आपको कि माननीय उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के अंतर्गत मैंडमस के माध्यम से कैसे नागरिक अधिकारों की सुरक्षा कर सकता है परमादेश जैसा कि मैंने बताया यह किसी अथॉरिटी प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है <laughs> उसको दायित्व तो बोध कराने के लिए उसकी लीगल ड्यूटी का बोध कराने के लिए उदाहरण के रूप में इसको समझें जैसे कि नगर पालिका है नगर पालिका यदि वाटर टैक्स ले रही है तो म्युनिसिपलिटी एक्ट के अंतर्गत नगर पालिका अधिनियम है जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम है उस उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1947 के अंतर्गत नगर पालिका की स्थापना नगर पालिका के कर्तव्य उस लॉ के अंतर्गत स्टैच्यूट के अंतर्गत स्पष्ट रूप से प्रावधानित हैं और उसके अंतर्गत एक जो उसका इम्पॉर्टेंट कर्तव्य यह है लीगल ड्यूटी यह है कि नगर पालिका अपने स्थानीय निवासियों को अगर वाटर टैक्स ले रही जल कर ले रही है तो वाटर टैक्स ले रही है तो प्रदूषण प्रदूषण रहित जो है जल उपलब्ध कराने के लिए वह विधिक रूप से बाध्य है यदि वह वाटर टैक्स ले रही है जल आपूर्ति का टैक्स पैसा ले रही है और जल आपूर्ति अगर प्रदूषित है प्रदूषित जल सेवन से वहाँ के जो नागरिक हैं उनके मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है वो बीमार हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वे वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं जिस याचिका के लिए उच्चतम न्यायालय में सीधे आ सकते हैं वह याचिका है परमादेश रिट याचिका उच्चतम न्यायालय उन लोगों के उन पीड़ित व्यक्तियों के जो मानव जिसका स्वास्थ्य प्रभावित है जो बीमार हो गए हैं प्रदूषित जल के सेवन से वे इस बात का दावा कर सकते हैं कि वाटर टैक्स पे करते हैं इस एक्ट के अंतर्गत स्टैच्यूट के अंतर्गत नगर पालिका पॉल्यूशन फ्री वाटर देने के लिए कर्तव्यबद्ध है बावजूद उसके महीने भर से दो महीने से बीस दिन से ये जल सप्लाई हुई या वाटर सप्लाई हुई जिसमें कि यह ऐसे बैक्टीरिया ऐसे वायरस थे जिसके वजह से वह बीमार हुए आप सभी को मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक महत्वपूर्ण केस किया है सुभाष कुमार वर्षे स्टेट ऑफ बिहार जिस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णय किया गया कि प्रदूषण मुक्त जल का उपभोग करना यह व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है मौलिक अधिकार है और यह जीवन के अधिकार का अभिन्न भाग है अभिन्षा है यदि किसी भी व्यक्ति की मौत मृत्यु प्रदूषण युक्त जल के सेवन से होती है और न्यायालय के समय साबित हो जाता है तो यह संविधान के आर्टिकल इक्कीस का उल्लंघन माना जाएगा भारत के प्रत्येक व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार है कि वह प्रदूषण युक्त जल का सेवन करे और वह तब जब अथॉरिटी पैसा ले रही है वाटर टैक्स ले रही है जल आपूर्ति के लिए तो जल आपूर्ति के लिए उस अधिनियम के अंतर्गत वह विधिक रूप से बाध्य है कि वह जलापूर्ति प्रदूषण रहित करे और यह न करना उसका उस लीगल ड्यूटी का वॉलेशन माना जाएगा निष्पल नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत नगर पालिका का विधिक कर्तव्य का उल्लंघन माना जाएगा परमादेश या रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के अंतर्गत या उच्चतम न्यायालय आर्टिकल टू के अंतर्गत संबंधित नगर निगम को निर्देशित कर सकता है कि वह प्रदूषण मुक्त जल उपलब्ध कराए तो मैंने सुभाष कुमार की केस बनाम सुभाष कुमार यदि मैं इस पे आपको लिखने का प्रयास करूं तो आप ये देखें कि मैंने इसके पहले भी अपने एक लेक्चर में जब फंडामेंटल राइट बता रहा था तो वहाँ पे मैंने इस केस को बताया था और एक केस बहुत ही सुभाष कुमार वशिष्ठ रेटा बिहार अब तीसरा देखें तीसरी प्रकार की रिट है रिट को जैसा कि हमने बताया पेरोगेटिव रिट्स हैं ये विशेषाधिकित रिटें हैं जिनके उद्देश्य अलग अलग उद्देश्य अलग अलग आधारों पर ये निर्गत की जाती हैं अब आते हैं अधिकार परीक्षा रिट के अंतर्गत जो रिट आपको वारंटो है इसको अधिकार परीक्षा रिट को हम इंग्लिश में बोलते हैं को वारंटो कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको अंग्रेजी जानना आवश्यक है को वारंटो बाई व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस पोस्ट तो यह अधिकार परीक्षा रिट क्या है इसके आधार क्या हैं उच्चतम न्यायालय है या उच्च न्यायालय किन परिस्थितियों में इस रिट याचिका को जारी करेगी इस रिट याचिका के माध्यम से संवैधानिक उपचार उपलब्ध कराएगी इसके विषय में अब बात करते हैं को वारंटों का तात्पर्य देखिए वारंट लिखा हुआ है को वारंटो ये मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी इसका शाब्दिक अर्थ होता है बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस पब्लिक पोस्ट तो ये कब को अधिकार पीछा कब जारी किया जाएगा जब लोकपद विवादित हो जब कोई व्यक्ति लोक पद पर पब्लिक पोस्ट पर होल्ड किया पब्लिक पोस्ट को होल्ड किया हो और वह उस पब्लिक पोस्ट को होल्ड करने के लिए विधिक रूप से क्वालिफाई न हो योग्य न हो तो ऐसे व्यक्ति का उस पद को धारण करना लोकपद को धारण करना जो किसी व्यक्ति के अन्य किसी व्यक्ति के अधिकार का वह वायोलेशन कर रहा है तो लोकपद जहाँ विवादित है और ऐसा लोकपद जो परमानेंट नेचर का है स्थायी प्रकृति का है एडॉक पोस्ट नहीं है संविधात्मक पोस्ट न हो तो उस लोक पद को धारण करने वाला व्यक्ति जो रंगफुली उसको एक्वायर किया है पजिश कर रहा है उस लोक पद को अवैध रूप से धारण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो आदेश जारी किया जाएगा उस आदेश उस आर्डर का नाम होगा क्यो वारन टूरिट उस अधिकार परीक्षा के माध्यम से उच्चतम न्यायालय ये पूछ सकता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस पब्लिक पोस्ट किस प्राधिकार से आप इस लोक पद को धारण किए हैं यू आर नॉट क्वालिफाइड टू तो होल्ड दिस पोस्ट आप इस पोस्ट को होल्ड करने के लिए क्वालिफाई नहीं है इस प्रकार के प्रश्न उच्चतम न्यायालय आर्टिकल बत्तीस के अंतर्गत ऐसे किसी भी व्यक्ति से हो सकती है जो लोक पद को अवैध तरीके से धारण किया हुआ है अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लोकपद क्या है पब्लिक पोस्ट क्या है तो ये केवल संक्षेप में मैं बता दूं। ऐसा कोई भी पद पोस्ट ऑफिस जो किसी संविधि के अंतर्गत संविधान या किसी संविधि स्टैच्यूट के अंतर्गत गठित की गई हो सृजित की गई हो और जो लोक कर्तव्य का निर्वहन करती हो लोक कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए उस ऑफिस उस पद पर जवाबदेही हो वे पद लोक पद माने जाएंगे पब्लिक ऑफिस या पब्लिक पोस्ट मानी जाएगी विधि के छात्रों के लिए अगर ये बताने की आवश्यकता हो कि पब्लिक पोस्ट कौन होगी पब्लिक ऑफिस कौन होगी उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर पब्लिक पोस्ट अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी पब्लिक पोस्ट महाधिवक्ता अपॉइंटमेंट ऑफ महाधिवक्ता महाधिवक्ता की नियुक्ति महान्यायवादी की नियुक्ति यह पद है और यदि सोच यदि महाधिवक्ता की नियुक्ति हो गई और महाधिवक्ता ने पद ग्रहण कर लिया पाँच वर्ष के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है जैसा आप जानते होंगे संविधान के आठ किले एक के अंतर्गत और वह महाधिवक्ता जब वह अधिवक्ता के रूप में कभी पंजीकृत रहा हो उसके खिलाफ एफ आई आर रही हो वह किसी आपराधिक मुकदमे में वांछित रहा हो मामला भी लंबित है और उसे महा अधिवक्ता नियुक्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में उसके पद को चुनौती दी जा सकती है कोई भी अधिवक्ता ऐसे एडवोकेट जनरल के अगर अपॉइंटमेंट को चुनौती देता है तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के समय चुनौती देता है सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 32 के अंतर्गत वह आवेदन दायर करता है तो जो आवेदन जो एप्लीकेशन को स्पेसिफिक विशिष्ट नाम दिया जाएगा उस एप्लीकेशन के आधार पर वह व्यक्ति जो कहता है कि इन्होंने पब्लिक पोस्ट होल्ड किया है ये गलत है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो आर्डर इशू करेगी जो आदेश इशू करेगी उस महाधिवक्ता के विरुद्ध उस आदेश को हम अधिकार परीक्षा के रूप में को वारंटों के रूप में कहेंगे और इस को वारंटो जारी करते हुए इस रेट याचिका को जारी करते हुए उस व्यक्ति से पूछा जा सकता है कि आप इस पद पर बैठने के लायक नहीं हैं अपराधी हैं आपके विरुद्ध आपराधिक अभियोजन है आप इस लोक पद को धारण नहीं कर सकते हैं तो ये एक ऐसे ही मैंने आपको बताया कि पब्लिक पोस्ट ऐसे कोई विभाग का डायरेक्टर है किसी विभाग का हेड हेड ऑफ डिपार्टमेंट है रजिस्ट्रार है विश्वविद्यालय में और उस रजिस्ट्रार के विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमे हैं या सपोज जैसे किसी विभाग का हेड है एच है जूनियर को एच ओ बना दिया गया सीनियरिटी को बाईपास करते हुए तो अब वह जूनियर जो है जिससे डिप्राइव किया गया है न्यायालय में इस उसके नियुक्ति को चुनौती दे सकता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऐसे ही किसी विभाग में आपका निदेशक है डायरेक्टर है या नगर पालिका का कमिश्नर है ये सारे पद जो है लोक पद हैं और यदि किसी जूनियर को बना दिया गया उस पद पर बैठा दिया गया जिससे कि सीनियर वंचित हो गया तो सीनियर व्यक्ति जो है वरिष्ठ जो व्यक्ति है अपनी वरिष्ठता के आधार पर न्यायालय के समक्ष कर सकता है कि अभी तक जो स्टैच्यूट के अंतर्गत कानून है कि वरिष्ठ व्यक्ति को ही हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट बनाना है अतः न्यायालय के द्वारा यह आदेश जारी किया जाए और उससे पूछा जाए कि, कि किस प्राधिकार के तहत वह उस पद को धारण किया है होल्ड को उस पद को होल्ड किया है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल बत्तीस के अंतर्गत जिस आदेश को जारी करेगी और उस व्यक्ति को उस पद से बाहर करेगी उस रिट याचिका का नाम है को वारंटो अधिकार परीक्षा आपको बता दें एक इसी तरह से मामला लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है मात्र नियुक्ति की घोषणा होना और पद को धारण करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं जैसे यह घोषणा हो गई समाचार पत्र में आ गया कि मिस्टर एक्स जो है वह प्रदेश के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए जाएंगे अभी महाधिवक्ता नियुक्त हुए नहीं अभी उन्होंने पद धारण नहीं किया है पद उस ऑफिस को होल्ड नहीं कर रहे हैं केवल घोषणा मात्र हुई है दूसरे ही दिन घोषणा के दूसरे ही दिन व्यक्ति आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के समझ और ये कहता है कि को वारंटो आर अधिकार पूछ याचिका जारी करते हुए पूछा जाए कि वह किस प्राधिकार के तहत उस पद को लोक पद को धारण किए हैं तो यह उसको कोई उपचार नहीं मिलेगा क्योंकि उस व्यक्ति ने अभी उस लोक पद को ऑफिसली होल्ड नहीं कर रहा है तो इसलिए घोषणा का मात्र होना यह अधिकार आज का जारी करने का आधार नहीं हो सकता है दूसरा आप सभी देख जानते होंगे कि एक बीआर कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य के केस में एक मामला न्यायालय के समक्ष आया कि क्या किसी राज्य के निर्वाचित निर्वाचन के पश्चात किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुकदमे हों और उन्हें यदि पूर्ण बहुमत मिलता है चुनाव में तो उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है केवल इतना ही भारतीय संविधान में लिखा हुआ है तो क्या संविधान निर्माताओं की ये सोच रही होगी या मनसा रही होगी कि मुख्यमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जिसके विरुद्ध आपराधिक मुकदमे होंगे पेंडिंग होंगे ये सूश्री जयलिता के केस में ऐसा मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया जयलिता के Uh, सुश्री जयलिता का चुनाव के पश्चात भारी बहुमत से विजयी होना और उनके दल के नेताओं के द्वारा सर्वसम्मति से उन्हें नेता सदन चुना जाना और उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाना माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष बी आर कपूर वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में यह मामला विचारण भिशार के लिए आया उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णय किया गया कि जनादेश भी संविधान से बड़ा नहीं हो सकता है संविधान निर्माताओं की ये कभी नहीं रही होगी कि मुख्यमंत्री पद पे किसी ऐसे व्यक्ति को पदासीन कराया जाए जिसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुकदमे न्यायालय में लंबित हैं सुश्री जलिता जललिता के विरुद्ध उस समय उन्हें उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुकदमे आपराधिक मुकदमे पंजीकृत थे लंबित थे बावजूद उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाने का प्रयास किया जा रहा था इस निर्णय के हस्तक्षेप के पश्चात उनको मुख्यमंत्री पद का दायित्व वो मुख्यमंत्री पद का दायित्व तो नहीं संभाल पाई उनको उस दायित्व तो से वंचित होना पड़ा तो आप ये देखें कि इस परमादेश अधिकार अधिकारिक्छा रिट याचिका का उद्देश्य क्या है जहाँ पर लोकपद विवादास्पद हो लोकपद को कोई अवैध तरीके से धारण किया है तो हम न्यायालय के समक्ष कोई भी व्यक्ति अधिकार परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है अच्छा इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एढ़ाक पोस्टों के लिए नहीं होगा सब्सटेंटिव पोस्ट होना चाहिए जो लोक पद है वह अस्थायी होना चाहिए संविदा की अगर पोस्ट है या जो एडहॉक की पोस्ट तदर्थ पोस्ट है एडहॉक की पोस्ट है उसको कोई होल्ड किया है तो उसमें अधिकार पेशा के माध्यम से रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट नहीं जारी कर सकता है अब आते हैं दो और रिट बची हैं इसमें आप अगर स्क्रीन पर देखें प्रतिषेध और उत्प्रेषण कैसे सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत प्राइबिशन या उत्प्रेषण रिट याचिका के लिए जाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल बत्तीस के अंतर्गत रिट ऑफ प्रोहिबिशन और रिट ऑफ सरसोरारी के लिए उपचार प्रदान कर सकता है तो देखिए रीट ऑफ पहले लेते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन प्रतिषेध रिट जो है न्यायालय के द्वारा उस समय जारी किया जाएगा जब कोई भी अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकारी के समझ कोई ऐसा मामला लंबित है जो वह सुनने के लिए कानूनी रूप से अधिकारिता पावर नहीं रखता तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल बत्तीस के अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी या न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालय को कार्रवाई को बीच में ही रोकने के लिए प्रतिसिद्ध कर सकता है और जो रिट जारी करेगा उस रिट का नाम होगा रिट ऑफ प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन अंग्रेजी शब्द से ही आप देखें उसका लिटरल मीनिंग ही है प्रोहिबिशन प्रतिषेध अर्थात किसी भी प्राधिकारी या न्यायालय को निर्णय सुनाया जो जिसके समझ कोई कार्रवाई लंबित है उस कार्रवाई को मध्यवर्ती स्तर पर ही प्रतिसिद्ध कर देना रोक देना ये प्रतिसिद्ध रेट याचिका का, का उद्देश्य होता है परंतु जहां पर किसी ऐसे न्यायालय के द्वारा प्राधिकारी के द्वारा निर्णय ले लिया गया है जो उस मामले में निर्णय लेने के लिए कानूनी रूप से विधिक रूप से अधिकृत नहीं है और निर्णय हो गया है गलत निर्णय हो गया अधिकारिता के अभाव में निर्णय दिया गया है या अधिकारिता के अधिक में निर्णय दिया गया है तो ऐसी स्थिति में भी उच्चतम न्यायालय आर्टिकल बत्तीस के अंतर्गत जिस रिट याचिका को दायर करेगा उस रिट याचिका का नाम होगा उत्प्रेषण उत सरसुरारी बोलते हैं तो दोनों में बेसिक अंतर यह हो गया कि जो प्रतिषेध रिट याचिका है वह तब दायर की जाती है वह तम न्यायालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाएगी जब मामला अभी लंबित है अभी डिसाइड किया जाना है और उत्प्रेषण रिट याचिका उस समय जारी की जाएगी जब अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय ने को गलत निर्णय दे दिया है अधिकारिता के अभाव में या अधिक, अधिक अधिकारिता से अपने अधिकारिता से बाहर जाके कोई निर्णय दे दिया है तो ऐसा निर्णय स्वाभाविक है त्रुटपूर्ण होगा तो ऐसे गलत निर्णय को त्रुटिपूर्ण निर्णय को सुधारने के लिए उच्चतम न्यायालय आर्टिकल बत्तीस के अंतर्गत रिट ऑफ जारी कर सकता है तो प्रतिषेध और रिट याचिका दोनों मैंने बताया बेसिक अंतर एक प्रतिषेध जो है लंबित कार्रवाईयों के विरुद्ध और रिट अफसरसुरारी निरस्त में जाने के पश्चात जारी किए जाते हैं अब उदाहरण के रूप में इसको समझें जैसे कैसे समझा जा सकता है जहाँ पे नैसर्गिक न्याय उत्पेषण रिट के जो ग्राउंड है मैं अगर आपको बताऊँ स्क्रीन पर आपको तो जैसे आर डी पार्टम है आर एल्टम पार्टम सुनवाई का अवसर प्रदान करना ये लैटिन वर्ड है इसका तात्पर्य है सुनवाई का अवसर प्रदान करना किसी भी पत्रकार को बिना सुने हुए दंडित नहीं किया जा सकता है वरना ऐसा निर्णय अवैध माना जाएगा तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के वायलेशन में अगर कोई प्राधिकारी या अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिया है तो उस निर्णय को जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन में दिया गया है अवैध ठहराया जा सकता है ये उत और उत्प्रेषण रिट के माध्यम से सुधारा जा सकता है दूसरा मैंने बताया आपको कि अगर अधिकारिता की कमी या अधिकारिता के अभाव में निर्णय दिया गया है तो भी उत्प्रेषण रिट के माध्यम से ऐसे ग्रत निर्णय को सुधारा जा सकता है और उसमें अब आते हैं कि अधिकारिता का आधिक्य कैसे मानेंगे कि न्यायालय या प्राधिकारी कैसे अपने पावर को एक्सीड कर दिया है अपने पावर से अधिक जा कर के कार्य किया है तो ऐसी स्थिति में अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें जैसे कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग है वह दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अधिकतम दस हज़ार रुपये का जुर्माना लगा सकता है और अधिकतम तीन वर्ष तक के कारावास दे सकता है यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के द्वारा तीन वर्ष छः माह का कारावास दिया जाता है तो यह अधिकारिता के अधिक्य में दिया गया निर्णय माना जाएगा और ऐसे निर्णय को अपीलीय न्यायालय भी अपास्त कर सकता है और हाई कोर्ट के आर्टिकल 226 के अंतर्गत भी हम रिट आप से सुधारी के लिए जा सकते हैं कि यह निर्णय न्यायालय के द्वारा अधिकारिता के अधिक में जा कर के निर्णय लिया गया है तो अधिकारिता के अधिक अधिक में भी और अधिकारिता के अभाव में लिया गया निर्णय अपास्त किए जाने योग्य होगा शून्य किए जाने योग्य होगा इसका उपचार संविधान के आर्टिकल बत्तीस के अंतर्गत उत्पेषण रिट याचिका के माध्यम से हो सकता है अब एक केस मैंने आपको अगर मैं बताऊं बंदी प्रत्यक्षीकरण में अगर एक केस को उल्लेख करना चाहेंगे कालू सान्याल का केस है कालू सान्याल बनाम डीएम इसी में अगर मैं आपको लिखूं कालू सान्याल सान्याल बनाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम दार्जिलिंग ये दार्जिलिंग का केस है और कालू सान्याल एक नेता था और कालू सान्याल को इस अपराध में गिरफ़्तार किया गया डीएम दार्जिलिंग के आदेश के द्वारा कि वह एक माओवादी नेता है और सरकार के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त होता है कालू सान्याल को गिरफ़्तार कर लिया गया कालू संयाल की तरफ से अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया कि गिरफ्तारी अवैध है तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा उस अवैध गिरफ्तारी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका के माध्यम से कि डीएम दार्जिलिंग को कि वह अभियुक्त को सरसरी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें और ये बताएं कि किस ग्राउंड पर अभी को गिरफ्तार किया गया है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्ष करो प्रोड्यूस हाँ, टू प्रोड्यूस अरेस्टेड पर्सन कि न्यायालय के, के समक्ष प्रस्तुत करो और गिरफ्तारी के आधारों को आप न्यायालय को बताएं तो ये केस इस पर यह भी महत्वपूर्ण केस है अब आते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत जनहित याचिका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे व्यक्तियों को जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते कि उन्हें किसी मामले में जनहित याचिका दायर करेंगे तो लोकप्रियता प्राप्त होगी उन्हें हतोत्साहित करने के लिए न न केवल उनके ऊपर जुर्माना लगाया बल्कि पेनाल्टी भी इम्पोज किया बल्कि उनको उस पी जनहित याचिका को खारिज भी कर दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि जहाँ पर कोई व्यक्ति जनहित याचिका पी अपने फायदे के व्यक्तिगत फायदे के लिए लाता है अपने लिए अपने को लोकप्रिय लोकप्रियता हासिल करने के लिए न्यायालय के समक्ष आता है उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकेगा कोर्ट फाइन भी लगा सकती है न्यायालय का महत्वपूर्ण समय बर्बाद करने के लिए और उसके याचिका को खारिज करते हुए उस पर आर्थिक दंड का आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है तो एक बात हो गई कि पीआईएल जनहित याचिका जो है उसका दुरुपयोग करने को रोकने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसे व्यक्ति को जिसका कोई राजनीतिक उद्देश्य है अपने लोक व्यक्तिगत उद्देश्य लोकप्रियता के लिए लाया है तो वहाँ पर पी की स्थिति में पेनाल्टी इम्पोज सुप्रीम कोर्ट कर सकती है दूसरा पी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया कि जनहित याचिका सभी बीमारियों का इलाज नहीं है इसको प्रायः ऐसा कहा जाता है कि मैं अगर आपको स्क्रीन के माध्यम से बताऊँ यहीं पर लिख दें कि पी एक शब्द यूज किया गया पी आई एल पिल इज नॉट पिल इज नॉट इज नॉट इल पिल ऑफ ऑल द इल्स इ्स एक इसको पिल इज नॉट द पिल्स पिल्स ऑफ ऑल ऑल द इल्स ऑल द इ्स अब इसमें जो एक शब्दावली का प्रयोग किया गया मान्य उच्चतम न्यायालय के द्वारा पिल इज नॉट द पिल्स ऑफ ऑल द इ्स पिल, पिल यहाँ जो पिल है ये पी आई एल है जनहित याचिका इसका हिंदी में अर्थ होता है कि जनहित याचिका सभी बीमारियों का इलाज नहीं है ये कोई इट इज नॉट अ पैनेसिया पी आई एल इज नॉट अ पैनेशिया की जनहित याचिका सभी बीमारियों का इलाज नहीं है कि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल केस भी पीआईएल के माध्यम से आ जाए हर व्यक्ति अपनी लोकप्रियता लाने के लिए कि अगर मैं इसमें पीआईएल फाइल करूंगा तो इससे बहुत पॉपुलर हो जाऊंगा तो इस उद्देश्य अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो न्यायालय इसको जस्टिस पी एन भगवती और जस्टिस वी आर किशनैर को माना जाता है कि भारत में जैसा कि मैंने आपको बताया पी का जनक जनहित याचिका का जनक वह जस्टिस पी एन भगवती को माना जाता है और यद्यप कि जस्टिस पी आर किशनैर ने भी पी को जनहित याचिका को बहुत सारे मामलों में जनहित याचिका को स्वीकार किया परंतु पीआईएल कोई रामबार नहीं है पैनिसिया नहीं है राजनीतिक फायदे के लिए कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष आता है तो उस पर रोका जा सकता है इस एक रिमार्क ने सुप्रीम कोर्ट का एक प्रकार से केस में रिमार्क है कि पिल इज़ नॉट द पिल्स ऑफ ऑल द इल्स जनहित याचिका सभी बीमारियों का इलाज नहीं है अब आते हैं कि इन सभी के बावजूद भी जनहित याचिका संविधान की आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट ला दिया उसको स्क्रीन पर मैं ऐसे ही लिख दे क्यूरेटिव पिटिशन के रूप में क्यूरेटिव पिटिशन आर्टिकल 32 के अंतर्गत क्यूरेटिव पिटिशन अब एक रूपा हुरा वर्सेज अशोक हुरा की केस में सुप्रीम कोर्ट ने नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया जैसे संविधान के अंतर्गत आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को डेवलप किया सुप्रीम कोर्ट ने कि बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसा टेस्ट है कि पार्लियामेंट कोई भी संशोधन करे लेकिन अगर आधारभूत ढांचे को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है तो उस संवैधानिक संशोधन को आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है वैसे ही रूपा हुरा वर्सेज अशोक हुरा की केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक क्यूरेटिव पेटसन कॉन्सेप्ट को भी डेवलप किया गया जैसे उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णय किया गया कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी मामले में जुडिशियल रिव्यू हो गया निर्णय दे दिया गया है और परंतु उच्चतम न्यायालय के समक्ष वही पक्षकार पुनः उसी मामले में उस उच्चतम न्यायालय के समक्ष आ जाते हैं तो उच्चतम न्यायालय उस मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए क्योर करने के देखिए अब क्योरिटी जस्टिस क्योरिटी पर्सन उस न्यायालय में उस मामले में पछकार अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अपना जो उसने सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वह पहला निर्णय गलत था तो उच्चतम न्यायालय पक्षकारों के प्रति न्याय करने के लिए अपने ही अपने ही निर्णय का पुनः सुनवाई कर सकते हैं और उसे उपचार उस सिक्योरिटी पेटन की संज्ञा दी कि उसे उपचारात्मक याचिका माना जाए क्यूरिटी पेटन केस का नाम भी मैंने आपको बताया रूपा हुरा बसे अशोक हुरा की केस में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल बत्तीस के अंतर्गत थर्टी के अंतर्गत मैंने पूरे सुप्रीम कोर्ट के जितने केस हैं मैंने उसको भी कवर करने का प्रयास किया आपको बता करके आश्चर्य होगा कि कॉमन कॉज बनाम भारत संघ की एक केस है ईआईआर आई उन्नीस जिसे हम पेट्रोल पंप स्कैम के नाम से जानते हैं और अब पेट्रोल पंप स्कैम को रोकने के लिए कैसे जनहित याचिका दायर कर दी गई कि तत्कालीन पेट्रोलियम मिनिस्टर कैप्टन सतीश शर्मा के द्वारा के ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने सगे संबंधियों को पेट्रोल का आवंटन कर दिया था जब वो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री थे तो और पाया भी गया वो जांच जो हुई है पाया भी गया कि कुछ पेट्रोल पंप जो है उन्होंने अपने सगे संबंधियों को भी दे दिया था मंत्री रहते हुए जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है उस मामले को जिस गैर सरकारी संस्था ने उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में लाई उसका नाम है कॉमन कॉज बनाम भारत संघ ए आई आर उन्नीस सौ अट्ठानबे सुप्रीम कोर्ट हम जिसको पेट्रोल पंप स्कैम के नाम से जानते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारी जनहित याचिका के माध्यम से भी सार्वजनिक जीवन में या राजनीतिक क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसको भी एक्सपोज किया गया है जनहित याचिका के माध्यम से तो उसको हम पेट्रोल पंप स्कैम की संज्ञा पेट्रोल पंप स्कैम पेट्रोल पंप घोटाला केस में वह संविधान के आर्टिकल बत्तीस के माध्यम से एक्सपोज किया गया था तो मैं समझता हूं कि आ, मैंने आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सभी पक्षों को कवर करने का प्रयास किया और इसमें जितने भी केस हैं उसको केस के माध्यम से और जो पीआईएल आई जनहित याचिका का जो कॉन्सेप्ट है कैसे जनहित याचिका कॉन्सेप्ट जो है इवॉल्व किया सुप्रीम कोर्ट ने और पीआईएल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कैसे नागरिक अधिकारों की संरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं मैं समझता हूं कि इस पूरे व्याख्यान से आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे इसी आशा और उम्मीद के साथ विश्वास के साथ मैं अपने इस लेक्चर को विराम देता हूं धन्यवाद थैंक यू